नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया से रूबरू, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा। विशेष रणनीति बनाकर प्रदेश सरकार के काम के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी आगामी नगर निकायों का चुनाव। जोन पुलिस के द्वारा अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अपराधियों पर नजर रखना व अपराध पर रोकथाम लगाना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान। सभी चौराहों पर लगाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा। जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में कहीं ना हो जलभराव। जलभराव वाले जगहों से पंप के माध्यम से निकलवाया जा रहा है पानी। बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट पर है सभी बाढ़ चौकियां। भारत व नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय पुलिस एसएसबी के जवानों के साथ लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। अराजक तत्वों पर कर रही है कार्रवाई, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1,74,000 की लूट। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं 4 टीमें। जल्द होगा घटना का खुलासा। रोडवेज के ऊपर जान से मारने की नियत से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले बस चालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सितंबर को केनरा बैंक तारामंडल से ईंट से लदा ट्रैक्टर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किया ट्रैक्टर व ईंट किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर जिला महानगर महाराजगंज कुशीनगर व देवरिया जनपद की संगठनात्मक बैठक। देर शाम पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई नेताओं से उनके आवासों पर जाकर के शिष्टाचार मुलाकात। आईजी आलस पत्रों का निस्तारण करना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। थाना दिवस व तहसील दिवस के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। आगामी त्योहारों दशहरा विजयदशमी मूर्ति विसर्जन को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक करने का अधिकारियों को दिए निर्देश। हरपुर बुधर क्षेत्र के मारपीट एससी एसटी एक्ट व अन्य अपराध करने वाले गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का दर्ज किया गया मुकदमा, की जा रही है आगे की कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। बीएलई सेंटर पर लगेगा कैंप, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आईआरसीटीसी के द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के माध्यम से 15,150 रुपए में 4 ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। 536 रुपए ईएमआई के माध्यम से भी यात्रा का ले सकते हैं लाभ, आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की अपील, कहा कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, बारिश के समय वज्रपात से बचने के लिए ना निकले घरों से बाहर। अब खबरें विस्तार से।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहली बार काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी बड़ा आयोजक शुरू करने जा रही है। उसमें रचनात्मक कार्य, सेवा कार्य और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से जुड़े विषय एवं उनके जीवन पर अनेकों प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से लड़ती है। 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका सहित कुल 734 नगर निकायों का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर और सरकार ने जो नगर निकाय पर काम किया है उन कामों के आधार पर देश और प्रदेश के विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, मन में सुभाष यदुवंश जी, कामेश्वर जी, समीर जी, मेरे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद पार्टी ने तय किया कि क्षेत्रीय स्तर पर हम लोगों को पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना है अलग अलग बैठकों के माध्यम से। मैंने पश्चिम क्षेत्र की, ब्रज क्षेत्र की बरेली में, कानपुर क्षेत्र की लखनऊ और बनारस, काशी क्षेत्र की बैठकें हम लोगों ने कर ली। गोरखपुर रह गया था और उसके बीच में माने धर्मपाल सिंह जी का, हमारे संगठन मंत्री हैं, उनका प्रवास गोरखपुर हुआ था। तो माननीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि हमें कमिश्नरी के हिसाब से जाना, तो अपने क्षेत्र को हम 3 दिन में करेंगे। तो कल मैंने बस्ती मंडल के सभी 3 जिलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से और मान्य जनप्रतिनिधियों से अलग अलग बैठ के बातचीत की है। आज इसी क्रम को दोहराते हुए पहले संगठन के 5 जिलों के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ और बाद में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जो पार्टी का निर्धारित एजेंडा है हम लोगों ने तय किया है उस पर चर्चा की है। पहला विषय तो ये, मैं पहली बार मुझे ये काम मिला है तो कार्यकर्ताओं से सबसे परिचय हो जा बड़ा, क्योंकि संगठन में मुझे पहली बार उत्तर प्रदेश के काम करने का मौका मिला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से कल से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें रचनात्मक कार्य, सेवा के कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषय और उनके जीवन पर अनेकों प्रदर्शनी, कार्य, सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अगला विषय हमारी पार्टी का है, हम लोग निकाय चुनाव में हमेशा अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ते रहे। इस बार 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका और कुल 734 नगर निकाय नगर का चुनाव होना है। अभी जो शहरी क्षेत्र का सीमा विस्तार हुआ है नगर निकायों का, उस पर परिसीमन का काम चल रहा है, मुझे लगता है अंतिम अवस्था में है। इसके बाद वार्डों के हिसाब से मतदाता सूची बनेगी और मतदाता सूची के बाद पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन के बाद आरक्षण और आरक्षण के बाद चुनाव। चुनाव निश्चित समय अवधि में होने हैं। सामान्यतः पिछली बार दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी निर्वाचित नगर निकाय प्रतिनिधियों की शपथ हुई थी, तो उसी समय अवधि में हमें चुनाव कराने हैं। भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर, उनकी सक्रियता के आधार पर और सरकारों ने नगर निकायों में जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम देश के, प्रदेश के विषयों को लेकर
जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग सभी वार्डों में और सभी नगर निकायों के सभापतियों में मेयर में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम सब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नगर निकायों में मेयर, सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभासद, ये बड़ी श्रृंखला है। सभी सिंबल बिल्डिंग सभी जो सब जगह सभासद का भी? हाँ बिल्कुल, हम संकल्पित हैं कि कोई वार्ड छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल। और मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत के आधार पर अच्छे राजनीतिक परिणाम लेकर आएंगे। तीसरा विषय हमारे एजेंडे का है विधान परिषद के चुनाव। तो तीन सीटों का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, गोरखपुर अयोध्या, लखनऊ उन्नाव और मुरादाबाद बरेली। इन तीन सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होना है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। दो सीटों का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, झांसी, बांदा, प्रयागराज और कानपुर और उन्नाव, ये दो सीटों। स्नातक वाली तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग पार्षद हैं या सिटिंग विधान परिषद के सदस्य हैं। और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर हम लोग पहली बार चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार लड़े थे जो सीटें, उसमें से अधिकांश हम सीटें जीते भी थे। इन सीटों चुनावों में सामान्यतः जो मतदाता सूची है वो हर चुनाव में नई बनती है, सभी मतदाताओं को नया रिन्यूअल कराना या नए मतदाताओं को बनने का अवसर मिलता है। तो अक्टूबर माह में मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और दिसंबर माह तक ये अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी और संभवतः जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे। तो हम लोगों ने पार्टी की तरफ से रचना इस चुनाव की भी बना ली है। हम तीनों सीटें, हमारे सभासद जो वर्तमान में जीते हुए हैं वो तीनों सीटें हम जीतेंगे और हम लोग लक्षित करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर, जो नए दोनों शिक्षक चुनाव है हमारे लिए नए हैं वो हम निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, हम लोग जीतकर सदन में अपनी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। ये तीन विषयों को लेकर आज पार्टी के बैठकों में, कार्यक्रमों में आज चर्चा हुई है। बाद में माने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठना हुआ है तो जनप्रतिनिधियों को भी हमने आग्रह किया है कि भाई अपनी पार्टी की बात और अपने सरकार की बात नीचे तक पहुंचानी है और नगर निकायों में एमएलसी के चुनाव में सबको लगना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव से पहले ये नगर निकाय के बड़े चुनाव, जिसमें लगभग 25-26% मतदाता प्रदेश के प्रतिभाग करेंगे, तो हम लक्षित करके बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम नेतृत्व के विश्वास के आधार पर, जो जनता में हमारी लीडरशिप के प्रति लोगों का विश्वास है, उस लीडरशिप के विश्वास के आधार पर हम नगर निकाय भी जीतेंगे, हम MLC भी जीतेंगे और लोकसभा की सारी सीटें जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोगों ने नगर निकाय की बेहतरी के लिए काम किया है, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, चाहे स्मार्ट प्रोजेक्ट के रूप में, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट रूप में काम हम लोगों ने किए, ये काम हम लोगों ने किए। कुछ समस्याएं हैं, सरकार सभी के बेहतरी के लिए काम कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता का हमें विश्वास दिलाता हूँ अपनी सरकार की तरफ से, अपने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की ओर से, कि हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो कमी रह गई उसे आगे करें। देखो, कांग्रेस की भूमिका को लेकर तो सब लोगों को जानकारी है और राहुल गांधी को अगर जानकारी होती तो राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था, उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं जी? वो कन्याकुमारी से वो यात्रा निकाल रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ा सेंस हो तो उन्हें कराची से यात्रा निकालनी चाहिए, ढाका से यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा टूटा ना हिंदुस्तान से। सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतरी के लिए
और बेहतर तकनीक इस्तेमाल के लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। जो कमी पाई जाएंगी, सरकार का संकल्प है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, मदरसों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश अपने पारिवारिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, वो रामपुर वाले चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, छोटी भौजाई के बारे में क्या सोचते हैं, अपने गठबंधन के साथियों के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके साथ मिलकर 2022 में गठबंधन करके चुनाव लड़े वो उनके साथी कहाँ हैं जी। तो उनकी पार्टी आंतरिक अंधविरोध से जूझ रही है, वो इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रलाप कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझती है। देखो, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में राज्य में सरकार है और सरकारें बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। हमारे घोषणा पत्र आप निकलवा लो, हमारे संकल्प पत्र निकलवा लो, जनसंघ से आज तक के हम उसी आधार पर चुनाव लड़े हैं। हमने जनता से इन्हीं विषयों को लेकर अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही है। हमने 1951 में कहा भाजपा की या जनसंघ की सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। उस समय सोचता था कि सरकार आएगी, सरकार आई 63 साल बाद, हमने क्या किया आपके संज्ञान में। हमने 1964 में तय किया हमारी सरकार आएगी तो हम देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। 1998 में जब मैं अवसर मिला, हमने परमाणु विस्फोट किया, दुनिया की कोई पावर चिंता नहीं की हमने। हमारी सरकार आई तो हमने 1988 में कहा, उस समय सरकार नहीं थी जी, कि हमारी सरकार आएगी तो भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। आपको जानकारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सब हमारे एजेंडे में है जी। आप निकलवा लो पिछले 50 साल के हमारे घोषणा पत्र। और हमारे लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, जो 5 पीढ़ी खत्म हुई है बीजेपी को लाने के यहाँ, उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि सरकार हमारे एजेंडे को पूरा कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे राज्य की सरकार हो माननीय योगी जी के नेतृत्व। देखो, मैं आपसे 2019 में सारे दल हमारे खिलाफ होकर लड़े, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ सारे दल थे, सपा भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, राष्ट्रीय लोकदल भी थी, सारे दल थे। और आपने देखा, सपा बसपा तो एक समय प्रदेश में राज करने वाले दल, बहुमत की सरकार चलाने वाले दल थे। 2007 से 2012 तक बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई बसपा ने, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई, दोनों ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस भी 50 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी थी, वो भी उसका हिस्सा बन गई, राष्ट्रीय लोकदल भी उस गठबंधन का भाग था, सब ने चुनाव में। आपने परिणाम देखे, 80% लोकसभा की सीट है और 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की महान जनता ने दिया। आप देखेंगे कि बीजेपी की का कार्यकर्ता का गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है। कुछ नहीं होगा जी, हम 100% सीटें जीतेंगे लोकसभा की इस बार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है और हमने विशेष रणनीति बनाकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी पार्टी के नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हमने संकल्प लिया सबने मिलकर कि हम लोकसभा की 100% सीटें जीतेंगे। देखो, मेरा अपना इसमें मत ये है, मैं किसान समुदाय से आता हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पश्चिम से आता हूँ, मेरे लिए भी गर्व की बात है। पश्चिम भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, ऐसा तो है नहीं जी पश्चिम को उत्तर प्रदेश से अलग का हिस्सा है। मैंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया, जितने और लोगों के नाम चल रहे होंगे मुझे पता नहीं किस किस के, तो उसमें ज़रूर मेरे से ज़्यादा काम करने वाले लोग कम ही होंगे। मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं भाजपा का जिले का महामंत्री भी रहा हूँ, मैं 7 साल विभाग का संयोजक भी रहा हूँ, मैं क्षेत्र का 4 साल मंत्री भी रहा हूँ, मैं 8-9 साल क्षेत्र का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। तो मुझे संगठन का कार्यकर्ता के नाते मेरी पहचान है, मुझे मेरी पार्टी ने ये अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते दिया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं पश्चिम से आता हूँ और जाट समुदाय से आता हूँ। हम लोग बीजेपी से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं,
और आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें जिले थे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये इन जिलों में पहले चरण में चुनाव था। सबसे ज़्यादा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र यही है, यही जिले हैं। और जिस किसान वर्ग की बात कर रहे हो उसमें भी 70% 80% आबादी पूरे प्रदेश की इन्हीं 58 सीटों में, सारी सीटें 9 की 9 आगरा बीजेपी जीती है, अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी जीती है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आबादी जाटों की मथुरा में है, 30% सारी सीटें बीजेपी जीती है, कोई सीट नहीं है। माठ जैसी सीट जो कभी बीजेपी नहीं जीती इस बार जीती है और बड़े अंतर से बीजेपी जीती है। बुलंदशहर की सारी सीटें बीजेपी जीती है, नोएडा की सारी सीटें बीजेपी जीती है, गाजियाबाद की सारी सीटें बीजेपी जीती है, हापुड़ की सारी सीटें जीती बीजेपी जीती है। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर्वाधिक अगर स्ट्राइक रेट से कोई सीटें जीती हैं 58 में से 46, तो आप आकलन करो उत्तर प्रदेश का वही हिस्सा है जिसको आप प्रश्न बार बार खड़े करते हैं। पार्टी की नीति है कि हम परिवारवाद के विरोध में हैं और हम पार्टी का संकल्प है कि हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। जोन में हो रही लगातार अपराधियों की कार्रवाई पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि अपराधियों पर नजर रखना, उनके अपराधी गतिविधियों की रोकथाम करना एवं समय रहते कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिकता है। जनपद गोरखपुर में पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन त्रिनेत्र भी चलाया जा रहा है, जो कि महानगर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सहयोग से कैमरा लगवाया जा रहा है। अभी तक 70 से ज्यादा चौराहों पर सीसीटीवी लगवाया जा चुका है। इसके अलावा कई ऐसे चौराहों पर जहां पर सम्मानित नागरिक आगे आकर अपनी स्वेच्छा से चौराहों पर सीसीटीवी लगवा रहे हैं तथा 500 से 700 ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगवाने के लिए सहमति दिए हैं। आने वाले दिनों में जनपद के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगा दिया जाएगा, जिससे अपराध पर रोकथाम करने में मदद मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति महानगर में अपराध करता है तो उसको सीसीटीवी के माध्यम से जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए अपराधियों पर नजर रखना, उनके अपराधी गतिविधियों पर रोकथाम करना और समय रहते हुए कार्रवाई करना, ये पुलिस की एक प्राथमिक ड्यूटी है और इस विषय में हम लोग सजग हैं और सभी जगह विशेष रूप से गोरखपुर में जनपदीय पुलिस अच्छी मेहनत कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसी दिशा में हम लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र भी लगा रखा है, जो जनता के सहयोग से हम सीसीटीवी लगा रहे हैं। अब तक हमारे करीब 70 से ज़्यादा चौराहों पर सीसीटीवी लग चुके हैं और कभी 125 चौराहों पर स्वयं जनता के अच्छे नागरिक आगे आए हैं जो सीसीटीवी लगाने के लिए सहमति दी है। इसके अतिरिक्त करीब 500 से 700 के प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में सहमति दी है और वो अपनी कार्ययोजना में इसको डाल रहे हैं और आने वाले वक्त में गोरखपुर में हर प्रमुख चौराहों पर स्थान पर सीसीटीवी लग जाएंगे, जिससे अपराध नियंत्रण में और हमें मदद मिलेगी। तो अपराधियों पर सर्विलांस करने में सीसीटीवी के माध्यम से और फिर उन पर जो आदमी सक्रिय है या किसी प्रकार के अपराध करने का प्रयास कर रहा है उस पर समय रहते हुए कार्रवाई करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे और आते इस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करते भी रहेंगे। जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कहीं पर भी जल भराव ना होने पाए। अगर कहीं पर जल भराव हो रहा है तो वहां से पंप लगवाकर पानी को तुरंत निकलवाया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों को बारिश समाप्त होने के बाद तुरंत आने जाने में कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर नगर निगम की नगर पंचायत कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा नदियों के जलस्तर का भी ध्यान रखा जा रहा है। जनपद में अभी घाघरा नदी खतरे के निशान तक पहुँच गई है, जिसको देखते हुए सभी बाढ़ को अलर्ट पर रखा गया है। अभी राप्ती नदी सामान्य स्थिति में है। उन्होंने बताया कि अगर बाढ़ आता है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा,
उसमें हम लोग का प्रायोरिटी ये है कि कहीं भी जल भराव ना हो, और जहां भी हो रहा भी है अगर ऐसा संज्ञान में आ रहा है उसमें त्वरित कार्रवाई करके वहां से पंप्स लगवा के किसी तरह उसको पानी वहां से निकलवाया जाए ताकि लोगों को इमीडिएटली बारिश खत्म होने के बाद रिलीफ मिल सके। और इस तहत कार्रवाई नगर निगम और नगर पंचायत के द्वारा की भी जा रही है। इसके अतिरिक्त नदी के भी लेवल पर ध्यान रखा जा रहा है, जैसे अभी घाघरा नियर अबाउट डेंजर लेवल के आसपास आ गया है तो सभी बूथ्स हम लोग अलर्ट कर रखे हैं, जितने भी चौकीज हैं बाढ़ चौकीज, और अभी राप्ती अभी भी चेतावनी लेवल पे ही है तो ऐसा कोई इश्यूज वहाँ अभी नहीं है, और तैयारी पूरी है। अगर किसी तरह की विपरीत परिस्थिति होती है तो उससे प्रशासन निपटने की तैयार। सर वो जैसे जैसे हम लोग को चेतावनी वहाँ से मिल रहा है, जो भी इंडिकेशंस मिल रहा है उसके तहत शीघ्र कार्रवाई की जा रही है, लोगों को त्वरित इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है सोशल मीडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से। भारत व नेपाल बॉर्डर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि भारत व नेपाल बॉर्डर एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत व नेपाल की मैत्री संधि होने के कारण आवागमन जारी है, जिसको देखते हुए वहां पर आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। वहां पर एसएसबी जवानों के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है, समय समय पर वहां पर एसएसबी जवानों के साथ बैठक की जाती है। बॉर्डर एरिया में पुलिस एसएसबी जवानों के साथ निगरानी करती है और अराजक तत्वों पर कार्रवाई करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, नेपाल बॉर्डर एक संवेदनशील बॉर्डर है, एक ओपन बॉर्डर होने के कारण और भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि होने के कारण आवागमन ऑलमोस्ट फ्री है। हमें इस चुनौती को देखते हुए कि किसी को कोई परेशानी भी ना हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सभी प्रभावी कदम उठा सकें, हम सभी सही कदम मौके पर क्षेत्र में ले रहे हैं। इसमें जो प्रथम है वो ये है कि हमारी जो एसएसबी है, जो हमारी नोडल सुरक्षा एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है जो बॉर्डर में लगी है, उसके साथ तालमेल करके हम वहाँ सुरक्षा के प्रभावी कदम ले रहे हैं, जिसमें हमारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है, एक समय समय पे इंटेलिजेंस कलेक्शन की मेथडोलॉजी है जिसमें हम लोग आपस में इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं और उस इंटेलिजेंस के आधार पे कार्रवाई करते रहते हैं। तो बॉर्डर एरिया में हम एसएसबी के साथ और स्वयं जो हमारी जनपदीय पुलिस है जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं उस पर संवेदनशील होकर विशेष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के सरदार नगर फुटहवा इनार मार्ग पर गुरुवार की रात में चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 1,74,000 की लूट की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गुरुवार की रात 9 बजे वादी बलराम जायसवाल द्वारा सूचना दी गई कि जब वह सरदार नगर से फुटहवा इनार की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में चार अज्ञात अभियुक्तों ने आंखों में मिर्चा डालकर कलेक्शन का 1,74,000 रुपए लूट लिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात्रि लगभग 9:45 बजे वादी श्री बलराम जायसवाल द्वारा यह सूचना दी गई कि जब वो सरदार नगर से फुटहवा इनार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सरैया नाला के पास चार अज्ञात अभियुक्तों ने उनकी आंखों में मिर्ची डालकर उनके पास से कलेक्शन का 1,74,000 रुपये छीन लिया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफआईआर दर्ज किया गया और घटना अनावरण के लिए चार टीमें लगाई गई जिसमें एक क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल है, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कैंट थाने की पुलिस ने आरएम रोडवेज के ऊपर जान से मारने के उद्देश्य से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले चालक को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सदर तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राम हरि यादव निवासी बारीपुर टोला पानपुर थाना भलुअनी जनपद देवरिया के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 14 सितंबर को वादी धर्मेंद्र राय चालक इंटरसेप्टर परिवहन निगम गोरखपुर ने लिखित तहरीर दिया कि 12 सितंबर को 8:30 बजे शाम को बस स्टेशन गोरखपुर पार्किंग की ड्यूटी कर रहा था कि एक प्राइवेट बस रोडवेज के सामने चौराहे पर जाम लगाकर देवरिया के लिए यात्री भर रहा था, जिससे जाम लग गया था। उसी समय मैं व आरएम साहब मना किए तो हम दोनों पर जान
जान से मारने की नीयत से बस चढ़ाने का प्रयास किया। हम लोगों ने बस चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बस चालक बस छोड़कर भागने में सफल हो गया, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, कांस्टेबल आनंद सिंह, राजेश सिंह शामिल रहे। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धनंजय चौहान पुत्र लालाजी चौहान निवासी चक्की मूसा डीहा थाना मधुबन जनपद मऊ के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का एक ट्रैक्टर 500 ईंट BS मार्का बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 सितंबर को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर स्थित केनरा बैंक तारामंडल के पास से एक ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना रामगढ़ताल पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि SSP के द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 का पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, राज कपूर, विजय कुमार गौड़, हेड कांस्टेबल ऋषि मुनि चौधरी, संदीप कुमार, महिला कांस्टेबल प्रियंका जया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, मतलब उठाना है ये से आया होगा जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा खुलासा किया गया है। जनपद में 11 एवं 12 की जो रात्रि थी उसको 2:20 पर पकवान रेस्टोरेंट के बाहर तारामंडल रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा था ईंटों से भरा हुआ, जो दिन में ईंट ना बिक पाने के कारण वहीं खड़ा रह गया था। उसको लावारिस स्थिति में देख के एक चोर ने उस ट्रैक्टर को वहां से चालू कर फिर वो चोरी करके ले गया। पुलिस द्वारा बाद में अगले दिन जब पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह का ट्रैक्टर चोरी हुआ है, तत्काल 2 टीमें गठित कर एक उप निरीक्षक विजय गौड़ एवं उप निरीक्षक राज कपूर के नेतृत्व में दोनों टीमों द्वारा CCTV खंगालने शुरू किए। उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले जो कि क्योंकि ये पूरा खुलासा CCTV बेस्ड है और बहुत ही अच्छा खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, इसमें पाम पैराडाइज नाम की जगह पे पहली बार ये ट्रैक्टर इसमें जाता दिखा। उसके बाद में फिर बचपन स्कूल खोराबार वहाँ पर भी ये ट्रैक्टर जाता दिखा, इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली। और देवरिया बाईपास रोड पर नायरा पेट्रोल पम्प है उस पर भी ये ट्रैक्टर जाते हुए दिखा, उससे क्लैरिटी हो गई कि ट्रैक्टर गोरखपुर से देवरिया की तरफ लेके निकला है अपराधी। बाद में चोरी चोरा में भी फुटेज दिखाए गए एवं चोरी चोरा के बाद में गोरी बाजार देवरिया के अंदर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा, वहाँ पेट्रोल पंप पे अभियुक्त का जो फ़ोटो जो पुलिस को पहले ही मिल चुका था, उस अभियुक्त के फ़ोटो के आधार पर पतारसी सुरागरसी की गई। और इस अभियुक्त की फ़ोटो के आधार पर किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपये का तेल भराने के लिए पहले आया था एवं बाद में वो इसने पूछा कि QR कोड के आधार पर भी क्या पेमेंट हो सकता है।
वो पता करने पर 995 रुपये का एक QR कोड का पेमेंट किया गया, जिसको पुलिस ने पूछताछ पर बताया कि 995 रुपये का पेमेंट किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्लू पुलिस के लिए था। इसके आधार पर पुलिस ने आगे भी छानबीन की कि ये किसका वॉलेट है, किसके वॉलेट से आया है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तब उसने बताया कि मुझे किसी व्यक्ति ने नौकरी पर जाने के नाम पर 995 रुपये का पेमेंट टिकट बुक करने के लिए कहा था, उसके लिए मैंने पेमेंट किया है। उसके बाद में पुलिस उस तह तक पहुंची और जिस व्यक्ति ने उससे पेमेंट कराने के लिए कहा था उसके माध्यम से पे जो मुख्य अभियुक्त है उस अभियुक्त को फिर पुलिस ने धनंजय चौहान उसके घर तक का पता लगाया, जो कि उसके लिए पुलिस ने 36 कैमरे करीबन 120 किलोमीटर की दूरी तय करके पता किए हैं। और जब अभियुक्त के घर पे गए तो ये BRS हॉलमार्क की जो ईंटें हैं, 500 ईंटें पड़ी थी, जो कि जो ईंटों के मालिक है उसके द्वारा भी बताया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो अभियुक्त के पिता ने बताया कि ईंटें मैंने खरीदी है, और ट्रैक्टर की पूछताछ करने पर उसने बताया कि चोरी कबूल की उसके बेटे द्वारा, और उसने भी खुद चोरी के द्वारा छिपाए गए ट्रैक्टर को घर में वो दिखाया गया। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा इस गुडवर्क के लिए एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का एवं 500 ईंट बरामद की गई है, और इस गुडवर्क के लिए पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा 20,000 रुपये के इनाम से भी इस टीम को नवाजा गया है। चोरी करने में एक ही व्यक्ति शामिल था और उस व्यक्ति धनंजय चौहान नाम का व्यक्ति है। पुलिस की टीम अभी भी लगी है धनंजय चौहान को गिरफ्तार करने के लिए, एवं धनंजय चौहान के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एवं इसमें जब उसको पकड़ा जाएगा तब और भी खुलासे आगे किए जाएंगे। पिता का रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, जब कोई चोरी का जो सामान है वो उसके पास है, उसने अपने आप को ऑन किया और खुद द्वारा खरीदा जाना बताया गया। यह इस अभियुक्त के ऊपर पूर्व में ट्रैक्टर चोरी के मुकदमे हैं और ये एक अभ्यस्त ट्रैक्टर चोर प्रतीत होता है। थैंक यू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया से रूबरू, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा, विशेष रणनीति बनाकर प्रदेश सरकार के काम के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी आगामी नगर निकायों का चुनाव। जोन पुलिस के द्वारा अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, अपराधियों पर नजर रखना व अपराध पर रोकथाम लगाना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान, सभी चौराहों पर लगाया जा रहा है CCTV कैमरा। जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में कहीं ना हो जलभराव, जलभराव वाले जगहों से पंप के माध्यम से निकलवाया जा रहा है पानी, बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट पर है सभी बाढ़ चौकियां। भारत व नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय पुलिस SSB के जवानों के साथ लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, अराजक तत्वों पर कर रही है कार्रवाई, ADG जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1,74,000 की लूट, मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। SP नॉर्थ ने कहा तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं 4 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। RM रोडवेज के ऊपर जान से मारने की नियत से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले बस चालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सितंबर को केनरा बैंक तारामंडल से ईंट से लदा ट्रैक्टर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी किया ट्रैक्टर व ईंट किया बरामद, SPCT ने किया खुलासा। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर जिला महानगर महाराजगंज कुशीनगर व देवरिया जनपद की संगठनात्मक बैठक, देर शाम पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई नेताओं से उनके आवासों पर जाकर के शिष्टाचार मुलाकात।
आलस पत्रों का निस्तारण करना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। थाना दिवस व तहसील दिवस के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। आगामी त्योहारों दशहरा विजयदशमी मूर्ति विसर्जन को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक करने का अधिकारियों को दिए निर्देश। हरपुर बुधर क्षेत्र के मारपीट एससी एसटी एक्ट व अन्य अपराध करने वाले गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का दर्ज किया गया मुकदमा। की जा रही है आगे की कार्यवाही। एसपी साउथ ने दी जानकारी। से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। बीएलई सेंटर पर लगेगा कैंप। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आईआरसीटीसी के द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के माध्यम से 15,150 रुपए में 4 ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। 536 रुपए ईएमआई के माध्यम से भी यात्रा का ले सकते हैं लाभ। आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की अपील, कहा कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान। बारिश के समय वज्रपात से बचने के लिए ना निकले घरों से बाहर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि में भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के महानगर की सीमा में प्रवेश करने पर नौसर में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के 7 पदाधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक स्वागत और अभिनंदन किया। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया गया। महानगर इकाई द्वारा नौसर ट्रांसपोर्ट नगर रुस्तमपुर चौक पैदलेगंज चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने गोरखपुर महानगर में पहुंचने के बाद महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर जिला महानगर महाराजगंज कुशीनगर व देवरिया जनपद की संगठनात्मक बैठक की। इसके उपरांत संगठन की दृष्टि से 5 जिलों के जनप्रतिनिधियों से भी प्रदेश अध्यक्ष रूबरू हुए। दोनों बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आगामी निकाय चुनाव और स्नातक विधान परिषद सदस्य चुनाव की दृष्टिगत चर्चा की। कहा कि भाजपा संगठन की ताकत बड़ी है। तपस्वी कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक भाजपा के हैं। देश से लेकर कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। शेष राज्यों में भाजपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए कहा कि संगठन का एजेंडा ही सरकार पूरा करती है। भाजपा परिवार भाव को लेकर चलने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प परिवारवाद के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की है। प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका नगण्य बताते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन को नकार दिया। कहा कि देश और प्रदेश की जनता का गठबंधन भाजपा से है। निकाय चुनाव को लेकर संगठन स्तर पर प्राथमिक तैयारी शुरू करने पर जोर देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार भाजपा हर वार्ड नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने निकाय चुनाव के दृष्टि से परिसीमन कार्य मतदाता सूची मतदान केंद्र व बूथ के साथ हर वार्ड के सामाजिक समीकरण को लेकर सजग रहने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निकाय चुनाव को लेकर घर घर संपर्क करने पर जोर दिया। इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने महानगर में रमेश सिंह पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात किया तथा तीनों वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक पूर्व एमएलसी विनोद पांडे प्रदेश मंत्री व एमएलसी सुभाष यदुवंश जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह राजेश गुप्ता प्रदेश सहदास प्रेमचंद्र मिश्रा डॉक्टर अंतर्यामी सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
देश अध्यक्ष जी को उनके भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। जिले के अध्यक्ष आदरणीय परदेशी रहदास जी से भी आग्रह करूंगा कि मान सिंह जी और उनके साथ चिरंजीव चौरसिया जी, मार्कंडे राम, भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय पीएन पाठक जी आदरणीय सत्यगत करें, साथ ही साथ एक मिनट गोरखनाथ की नगरी में बना लो भूपेंद्र चौधरी। हमारे विधायक विवेकानंद पांडे जी हैं, उनसे भी आग्रह है क्या करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे दिव्येंदु जी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का रुके भेज करके स्वागत। लोग लाइन में लग जाइए, लाइन में जाइए, ऐसे किसी का नहीं। एकदम लाइन में रहिए, राजेश सिंह जी लालू गुप्ता अपने पार्षद प्रत्याशी हैं, ये राय साहब हैं, चलो ये परमात्मा दुबे शुक्ला जी, परमात्मा शुक्ला ये सिंह जी और आइए आ जाइए, ये अपने बहुत चल मिश्रा जी पर्चा दर्ज दो पर्चे हमसे देख के पीछे भाई कोई बच्चा है हमें दिल्ली, आपको बताया थे दिल्ली थे ये हमारे समधी साहब हैं, डॉक्टर सुधीर जी हैं, ये बनारस के थे, हमारी भाभी हैं, अब एक साथ कर लेंगे ना बेटा, बच्चों को आना आइए उनका एक मिनट आप सामने सर वो दो ठीक।
एडीजी जोन अखिल कुमार ने आईजीआरएस पत्रों के निस्तारण पर कहा कि आईजीआरएस पत्रों का निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। प्रतिदिन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 10 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर नागरिकों की समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समय से निस्तारण करें। इसके अलावा तहसील दिवस व थाना दिवस के माध्यम से भी जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। आईजीआरएस पत्रों के निस्तारण के लिए भी जोन के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आईजीआरएस डालता है तो उसके पत्रिका का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण किया जाए, जिससे थानों की एक अच्छी छवि बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, शिकायतें हमारी प्राथमिकताओं में एक विषय है। प्रतिदिन 10 से 11 के मध्य में सभी अधिकारियों को बताया गया है कि अपने कार्यालय में बैठ के जन समस्याओं को सुने और उसका समुचित निस्तारण करें। इसके अतिरिक्त दो और व्यवस्था है, तहसील दिवस और थाना दिवस, जिसके तहत जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जितने भी जन समस्याएं हैं, जन शिकायतें हैं, लोग ये जो मिलने का चैनल है, उसके अतिरिक्त हेल्पलाइंस बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन है 1076, जहां लोग फ़ोन करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और फिर एक प्लेटफॉर्म है IGRS, जिसके तहत सभी समस्याओं को एक ही प्लेटफॉर्म में अंकित करके और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाता है। एक समयबद्ध रूप से उसको निस्तारण करने के लिए समय होती है, वो उसमें निस्तारण करते हैं और फिर सेंट्रली उनका फीडबैक भी लिया जाता है। तो एक अच्छी और प्रभावी व्यवस्था पूरे प्रदेश में चल रही है, गोरखपुर जोन में भी चल रही है। इस विषय में हम लोग लगातार समीक्षा करते रहते हैं और कतिपय जिन क्षेत्रों में हमें कमी दिखती है उन क्षेत्रों में हम लोग इंटरवीन भी करते हैं और समस्याओं का यथोचित निस्तारण करने का प्रयास करते रहते हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों को लेकर राजपत्रित अधिकारियों के साथ पुलिस ऑफिस के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए दुर्गा पूजा, विजयदशमी, नवरात्रि, चेहल्लुम, दुर्गा प्रतिमा के स्थापित स्थान, मूर्ति के विसर्जन के मार्ग को लेकर सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी की गई है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक के साथ संवाद बनाए रखते हुए मूर्ति स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ थाने स्तर पर बैठक की जाए, जिसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वह BPO के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में मूर्ति स्थापित करने वालों की सूचना संकलित करें और थाने स्तर पर इस कमेटी की बैठक करें, जिससे कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर CO कैन श्याम देवबिंद, CO कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सर आगामी त्योहारों को लेकर बैठक के लिए सर क्या निर्देश दिए गए? देखिए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष रूप से दुर्गा पूजा, नवरात्रि, विजयदशमी, चहल्लुम व अन्य जो भी आयोजन आने वाले दिनों में हो रहे हैं, उसको लेकर के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ कल एक बृहद मीटिंग की गई है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक के साथ संवाद बनाते हुए जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जहां पर भी प्रतिमाओं की स्थापना होनी है, उनका क्या रूट रखा जाना है, उनका विसर्जन कब और कहाँ होना है, रामलीला के जो कार्यक्रम होने हैं, विजयदशमी के जो कार्यक्रम होने हैं, इन सब की डिटेल में चर्चा की गई है। शासन के जो निर्देश हैं त्योहारों के मनाए जाने के संबंध में, उनका पालन कैसे कराया जाना है, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में BPOs के माध्यम से सूचना का संकलन करें और लगातार पीस कमेटी की मीटिंग करते हुए इन सभी त्योहारों को सकुशल रूप से और शांतिप्रिय ढंग से संपन्न करवाएं।
हरपुर बुधर थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को ग्राम सभा रघुनाथपुर में महिला ग्राम प्रधान के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें थाने में मुकदमा पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। इस घटना का मास्टरमाइंड राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला, जो उसी गाँव का रहने वाला है, वह एक सातिर अपराधी है। उसने संजय यादव नाम के अपराधी को गिरोह में शामिल करके अपराध करता था, जिसको देखते हुए राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र शुक्ला निवासी ग्राम रघुनाथपुर टोला सुरवलिया थाना हरपुर बुधड़ जनपद गोरखपुर, दूसरा संजय यादव उर्फ संजू पुत्र राजेंद्र यादव निवासी ग्राम दरघाट अनंतपुर थाना हरपुर बुधड़ जनपद गोरखपुर, तीसरा राजू यादव पुत्र अवध नारायण यादव निवासी बन्नी बारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा राजेश उर्फ प्रद्युमन चौहान पुत्र गुल्लू चौहान निवासी भरपुरवा भीटी रावत थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, पांचवा राहुल शुक्ला पुत्र राजेश उर्फ पप्पू शुक्ला निवासी ग्राम रघुनाथपुर टोला सुरवलिया थाना हरपुर बुधर जनपद गोरखपुर के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 11 जुलाई 2022 को थाना हरपुर बुधर के ग्राम सभा रघुनाथपुर की महिला ग्राम प्रधान के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें तत्काल हरपुर बुधर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और रातों रात कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड राजेश शुक्ला और पप्पू शुक्ला, जो उसी गांव का रहने वाला है, वो था। घटना में सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया और चूंकि यह एक सातिर अपराधी है और इसने संजय यादव नाम का एक अपराधी, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे उसके खिलाफ कायम है, उसको अपने साथ मिला करके एक अच्छा गिरोह बना लिया है। इसी कारण इसे तत्काल सारी विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के लिए एसएसपी एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय से अनुमोदन प्राप्त किया गया और थाना हरपुर बुधहट पर राजेश शुक्ला, इसके मुख्य सहयोगी संजय यादव और 3 अन्य, कुल 5 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में भी इन्हें रिमांड बनवा करके न्यायिक अभिरक्षा में लंबे समय तक रखा जाएगा और विवेचना करके आरोप पत्र में आनंदी न्यायालय प्रेषित कर इनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इनकी संपत्ति कुर्क करने का भी प्रयास किया जाएगा और संपत्ति कुर्क कराई जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अभियान के दौरान उन लाभार्थियों का कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा जिनके सूची में पहले से नाम है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की सूची के जरिए चयनित लाभार्थियों के साथ सभी अंत्योदय कार्ड धारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, 3 तलाक पीड़ित महिलाएं और श्रम विभाग की और से चयनित श्रम कार्ड वाले भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक ही योजना के लाभार्थी होंगे तथा कार्ड बनाने के कैंप के बारे में आशा कार्यकर्ता, पंचायत सहायक और कोटेदार की भी मदद ले सकते हैं। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर संचिता मल, जिला सूचना तंत्र प्रबंधक शशांक शेखर और जिला ग्रीवांश मैनेजर विनय पांडे को आयुष्मान पखवाड़े के सफल आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। अभियान के दौरान लगने वाले कैंप में विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर, VLI, आरोग्य मित्र, पंचायत सहायक और CHO की मदद से कार्ड बनाए जाएंगे। अगर किसी गांव या वार्ड में लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो वहां 1 से अधिक दिवसों पर कैंप लगाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर एक ही दिन में 2 कैंप भी लगाए जा सकेंगे। कैंप का VLI सेंटर पर होगा। पंचायत सहायक और कोटेदार लाभार्थियों को कैंप स्थल तक पहुँचाने में मदद करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात
करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बाद भी अभी भी हम लोगों ने लगभग 48% घरों का ही कार्ड बना है और लगभग 27% जो है लाभार्थियों के कार्ड बने हैं। तो ये इतना लगभग 4 वर्ष से हमारी योजना चल रही है, तो इसी को गतिमान करने के लिए हम लोगों ने इसका जो है शासन ने निर्णय लिया है कि 15 दिन एक पखवाड़ा चला करके लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा, ग्राम प्रधान का है, पंचायत सहायकों का है, ब्लॉक के अधिकारियों का, कर्मचारियों का है, ज़िले का, और जिसमें हमारी आशाएं घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगी। आशाएं स्वयं उनके पास मोबाइल पर एक फेस आइडेंटिफिकेशन ऐप है, उसके ज़रिए बनाएंगे, डीएलईज़ बनाएंगे और लक्ष्य करेंगे। जैसे कि गोरखपुर जनपद की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे यहाँ 20 लाख से अधिक कार्ड बनाने हैं और अब तक हम लोग जो है 5.5 लाख कार्ड बना चुके हैं। तो इस दिशा में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन अभी 2 दिन से प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। कल से शुरुआत हुई है, कल भी मौसम गड़बड़ था, आज भी मौसम गड़बड़ है, लेकिन कल भी लगभग 600 कार्ड हमारे बने थे और आज भी अभी रुझान जो आ रहा है उस पर भी बन रहे हैं। हम लोग प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्ड बनाएं, क्योंकि ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके योजना में लगभग हम 1400 बीमारियों का उपचार करते हैं और इसमें जो है गंभीर से गंभीर बीमारियां जो होती हैं उनका उपचार निःशुल्क होता है। एक परिवार को 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। गोल्डन कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड के लिए ये है कि 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी उस जनगणना में जिलों के नाम जो चिन्हित मानक के अनुसार चिन्हित किए गए थे उन लोगों का बनता है जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की या माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र हैं उनको बनता है। अंत्योदय कार्ड धारकों का बनता है और इसके साथ साथ जो है अभी जो है निर्णय लिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्ड बनने के लिए। अभी तक हम लोग जो है केवल 2011 की जनगणना का कार्ड बना रहे हैं और अंत्योदय कार्ड धारकों का कार्ड बना रहे हैं। अंत्योदय कार्ड धारक हमारे यहाँ 5 लाख से अधिक हैं, जिसमें हम 1.25 लाख के करीब कार्ड बना चुके हैं। आईआरसीटीसी के द्वारा 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 4 ज्योतिर्लिंग का 15,150 रुपए में स्वदेश दर्शन ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसके संबंध में लखनऊ आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आईआरसीटीसी द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के अंतर्गत 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा ट्रेन 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा, जो कि 7 रात्रि 8 दिन का पैकेज है। इसका पैकेज मूल्य मात्र 15,150 रुपए है। इसके अंतर्गत ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ एवं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर एवं भेट द्वारका के दर्शन कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच की भी सैर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन में बैठने की सुविधा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, संगम, लखनऊ एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से उपलब्ध है। इस पैकेज में यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का शाकाहारी भोजन, स्थानीय यात्रा बसों द्वारा तथा धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था सम्मिलित है। इसलिए कोई भी नागरिक EMI के माध्यम से भी 536 रुपए महीना पर भी अपने ATM कार्ड से बुक कर यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय से संपर्क कर एवं IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लखनऊ IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा, भारत दर्शन की योजना जब तक चलती रहेगी, अगर आपको ध्यान हो तो पार्क है वहाँ बनाया गया है और
पर एक बीच भी फेमस वहाँ बनाया गया है, तो उसके भी दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद गाड़ी वहाँ से वापस लौटेगी। तो ये पूरी यात्रा जो है बेसिकली 7 रात्रि 8 दिनों की होगी। कॉस्टिंग को लेके जो पीछे सवाल चलते रहे थे, पहले हम लोगों ने भारत सरकार की योजना के तहत 900 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कीमत ली थी, जिसमें भारत दर्शन की जब योजना समाप्त हुई तो ये ओपन मार्केट में बेसिकली इस प्रोडक्ट को ऑफर किया गया कि पहले ये IRCTC का प्रेरोगेटिव था भारत दर्शन चलाने का, बाद में ये कहा गया कि भाई मार्केट में जो भी ऐसे फोर्सेस हैं उनको मौका मिलना चाहिए और वो स्वयं से मार्केट के रेस्पॉन्स को देखते हुए स्वदेश दर्शन या भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से ऐसी यात्राएं आयोजित कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा हाल ही में रामायण यात्रा भी चलाई गई थी, हालांकि यहाँ बोर्डिंग डिबोर्डिंग पॉइंट नहीं होता लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग स्टॉपेज रखा गया था उसका, और रामायण यात्रा नवंबर में फिर से चलाई जा रही है। तो रामायण यात्रा जो है भारत गौरव ट्रेन पर आधारित है और अभी स्वदेश दर्शन यात्रा जो है भारत देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये स्वदेश दर्शन योजना है बेसिकली देखो अपना देश मुहिम के तहत हम ज्योतिर्लिंग दर्शन कराने की योजना एक IRCTC ने बनाई है और इसमें एक ट्रेन यहाँ से चलाई जाएगी जिसमें 824 लोगों को यात्रा करने की सुविधा उससे मिलेगी और इसके तहत गोरखपुर से जो ये गाड़ी शुरू होगी इसमें वाराणसी होते हुए प्रयागराज संगम होते हुए लखनऊ फिर आगे कानपुर झांसी तक बोर्डिंग डिबोर्डिंग की सुविधा होगी और इसके आगे ये ओंकारेश्वर महाकालेश्वर में दर्शन कराए जाएंगे और फिर हम गुजरात में सोमनाथ धाम पहुंचेंगे, वहां से द्वारकाधीश पहुंचेंगे और फिर ये वापस होंगे। तो बेसिकली 4 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका दर्शन इस अभियान का हिस्सा होगा और इसमें खाने पीने की सुविधा हर यात्री को ऑन बोर्ड होगी क्योंकि पेंट्री कार के साथ ये गाड़ी चलेगी और जब ऑफ बोर्ड होंगे तो रुकने का इंतजाम, जितने मंदिर दर्शन है वहाँ घूमने जाने आने का इंतजाम, क्यों एक बार आप शुल्क अदायगी जब कर देंगे तो उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। तो बेसिकली भारत दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत इस योजना को लेके आया गया है और इसमें जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, किसान हैं, इसमें जो टीचर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो छोटे उद्यमी व्यवसायी हैं, इन सब लोगों के लिए एक मौका दिया गया है मास टूरिज्म का, इनफैक्ट कि ताकि वो भारत के दूसरे हिस्सों में जो रमणीक स्थल हैं और तीर्थ स्थल हैं उसका दर्शन कर सकें। और इसकी जो बेसिकली शुल्क रखी गई है, वैसे तो ये 15,000 रुपये का शुल्क है जिसमें 7 रात्रि 8 दिनों की यात्रा है, लेकिन इसकी अदायगी के लिए जो एक खास फैसिलिटी इसमें ऐड की गई है कि कोई व्यक्ति जो न्यूनतम शुल्क होगा वो 536 रुपये का वो EMI पेमेंट के माध्यम से कर सकता है। इसमें बैंकों ने ये फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है कि 3 साल तक EMI के माध्यम से आप इस पूरे शुल्क की अदायगी कर सकते हैं। तो www.irctctourism.com की साइट पे जब आप जाते हैं बुक करने के लिए और पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे आप EMI की सुविधा अवेल कर सकते हैं। साथ ही जो नज़दीकी सेंटर है स्टेशन पे IRCTC का जो ऑफिस है, लखनऊ में जो IRCTC का ऑफिस है, या ऑनलाइन के माध्यम से आप कहीं अपने घर बैठे भी इस बुकिंग को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बेसिकली इस योजना के माध्यम से हमने IRCTC ने कोशिश की है कि जो भी हमारे देश के लोग हैं जिनकी आकांक्षा है, सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षा है, कम से कम साल में एक बार भी ऐसे दर्शन का मौका मिले रेल के माध्यम से, उसको पूरा करने के लिए हम आपके बीच इस स्वदेश दर्शन योजना को लेके आए हैं और ये अगले महीने 15 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक के लिए चलेगी, जो ठीक दशहरे के बाद और दीपावली के बीच में जो वक्त आपको मिलेगा उसमें आपको ये घूमने का मौका दिया जाए। पर व्यक्ति है जी, प्रति व्यक्ति इसके चार्ज जो हैं वो 15,000 रुपये के आसपास हैं और जब आप इंस्टॉलमेंट में इसको 36 महीनों तक पे करेंगे तो केवल 536 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति पे कर सकते हैं। बच्चों को भी कुछ छूट दी जाएगी इसमें? इसमें जो रेलवे की शर्तें हैं टिकटिंग की, 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनकी टिकट नहीं लगती, लेकिन 5 साल से ऊपर के बच्चे चूंकि बर्थ आप लेंगे और बाकी फैसिलिटी अवेल करेंगे तो उसके लिए वो सेम टिकटिंग रेट।
जनपद में नदियों के जलस्तर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नदियों में स्नान करने से बचे, नदी को तैर करके पार करने का प्रयास ना करे और बारिश के समय वज्रपात होने का खतरा रहता है, इसलिए जब भी वर्षा हो घरों से बाहर ना निकले या आसपास पक्के मकान के नीचे चले जाएं, पेड़ के नीचे ना रुके। उन्होंने बताया कि वज्रपात से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है उनको राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता मुहैया करवाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया से रूबरू, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा। विशेष रणनीति बनाकर प्रदेश सरकार के काम के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी आगामी नगर निकायों का चुनाव। जोन पुलिस के द्वारा अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अपराधियों पर नजर रखना व अपराध पर रोकथाम लगाना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान, सभी चौराहों पर लगाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा। जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में कहीं ना हो जलभराव। जलभराव वाले जगहों से पंप के माध्यम से निकलवाया जा रहा है पानी। बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट पर है सभी बाढ़ चौकियां। भारत और नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय पुलिस एसएसबी के जवानों के साथ लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, अराजक तत्वों पर कर रही है कार्रवाई, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1,74,000 की लूट। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है 4 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। आरएम रोडवेज के ऊपर जान से मारने की नियत से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले बस चालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सितंबर को केनरा बैंक तारामंडल से ईंट से लदा ट्रैक्टर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी किया ट्रैक्टर व ईंट किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर जिला महानगर महाराजगंज कुशीनगर व देवरिया जनपद की संगठनात्मक बैठक। देर शाम पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई नेताओं से उनके आवासों पर जाकर के शिष्टाचार मुलाकात। आईजी आरएस पत्रों का निस्तारण करना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। थाना दिवस व तहसील दिवस के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। आगामी त्योहारों दशहरा विजयदशमी मूर्ति विसर्जन को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक करने का अधिकारियों को दिए निर्देश। हरपुर बुधड़ क्षेत्र के मारपीट, एससी एसटी एक्ट व अन्य अपराध करने वाले गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का दर्ज किया गया मुकदमा, की जा रही है आगे की कार्यवाही, एसपी साउथ ने दी जानकारी। से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, बीएलई सेंटर पर लगेगा कैंप, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आईआरसीटीसी के द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के माध्यम से 15,150 रुपए में 4 ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। 536 रुपए ईएमआई के माध्यम से भी यात्रा का ले सकते हैं लाभ, आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। और
जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की अपील, कहा कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, बारिश के समय वज्रपात से बचने के लिए ना निकले घरों से बाहर। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया से हुए रूबरू, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा। विशेष रणनीति बनाकर प्रदेश सरकार के काम के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी आगामी नगर निकायों का चुनाव। जोन पुलिस के द्वारा अपराधियों पर लगातार हो रही कार्यवाही पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अपराधियों पर नजर रखना व अपराध पर रोकथाम लगाना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान, सभी चौराहों पर लगाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा। जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में कहीं ना हो जलभराव। जलभराव वाले जगहों से पंप के माध्यम से निकलवाया जा रहा है पानी। बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट पर है सभी बाढ़ चौकियां। भारत और नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय पुलिस एसएसबी के जवानों के साथ लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, अराजक तत्वों पर कर रही है कार्रवाई, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1,74,000 की लूट। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है 4 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। रोडवेज के ऊपर जान से मारने की नियत से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले बस चालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सितंबर को केनरा बैंक तारामंडल से ईंट से लदा ट्रैक्टर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी किया ट्रैक्टर व ईंट किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर जिला महानगर महाराजगंज कुशीनगर व देवरिया जनपद की संगठनात्मक बैठक। देर शाम पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई नेताओं से उनके आवासों पर जाकर के शिष्टाचार मुलाकात। आईजी आरएस पत्रों का निस्तारण करना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। थाना दिवस व तहसील दिवस के माध्यम से नागरिकों के समस्याओं का किया जा रहा है समाधान, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। आगामी त्योहारों दशहरा विजयदशमी मूर्ति विसर्जन को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक करने का अधिकारियों को दिए निर्देश। हरपुर बुधर क्षेत्र के मारपीट, एससी एसटी एक्ट व अन्य अपराध करने वाले गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का दर्ज किया गया मुकदमा, की जा रही है आगे की कार्यवाही, एसपी साउथ ने दी जानकारी। से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, बीएलई सेंटर पर लगेगा कैंप, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आईआरसीटीसी के द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के माध्यम से 15,150 रुपए में 4 ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। 536 रुपए ईएमआई के माध्यम से भी यात्रा का ले सकते हैं लाभ, आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की अपील, कहा कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, बारिश के समय वज्रपात से बचने के लिए ना निकले घरों से बाहर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।